नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर इसके क्लिप्स मुझे भेजे, हाफिज अहमद पॉडकास्ट के नाम से है और इन्होंने भेजे हैं, बोला कि नहीं इस पर आप वीडियो पर करिए कि भाई इसका टाइटल है फोर मेजर डिफरेंसेस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो मुझे लगता है कि एक पाकिस्तानी के मुंह से ये सुनना कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच चार बड़े फर्क क्या हैं, ये जरा दिलचस्प होगा। चलिए सुनते हैं। सर, आपने अभी इंडिया की बात की, इंडिया के आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो माशाल्लाह चांद पे पहुंच गए हैं और हम पाकिस्तान में भी इधर बैठा हुआ है, तो आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? देखिए, मैंने ना अभी कोई 10 दिन पहले जी कोई इंडिया के बारे में ट्वीट दी थी जी, वो पढ़ देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि इंडिया और हमारा फर्क क्या है। जी प्लीज। देखिए, पहले मैंने कहा था कि इंडिया और हमारा पहला फर्क है कि इंडिया में अभी तक 17 इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, 17। ठीक है 17 जी बिल्कुल, और तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। 17 दफा इलेक्शन हुआ, 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। कभी किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि बेईमानी हुई है, धांधली हो गई। पहला फर्क ये है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, अचीवमेंट नहीं, अगर आप उसके मुकाबले में पाकिस्तान देखें तो टेक्निकली हर इलेक्शन को हर पार्टी ने चैलेंज किया। बिल्कुल, जो हारती है वो चैलेंज करती है। पहला फर्क हो गया, ठीक है। दूसरा फर्क हमारा ये है कि इंडिया ने 1940 से बनाए दो इंस्टीट्यूशन, IIT और IIM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हमने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई। ठीक है। आज IIT के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कि IIT से पढ़े लिखे हैं, जिसमें एक इंफोसिस वाले भी हैं, जो साहब है जिनकी बेटी इस वक्त इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर की बीवी है। ठीक है जी जी, ये उसकी बेटी है ना, इंफोसिस वाले की। जी जी, ठीक है ना। उनकी एक्सपोर्ट IT की जी $100 बिलियन से ऊपर है, 200 के करीब पहुंचने वाली है। ठीक है, $200 बिलियन। ठीक है वो सब IIT के प्रोड्यूस्ड है। ठीक है और यहां वहां से दिख रहे हैं ये दूसरे। अगर ये बात कर रहे हैं सिर्फ इन्फोसिस की कि उनका $200 बिलियन का एक्सपोर्ट है सिर्फ IT का, मुझे लग रहा शायद, आई डोंट नो कि इन्फोसिस का सिर्फ $200 बिलियन का होगा, ऐसा शायद मेरी नॉलेज में तो नहीं, आप लोग कमेंट करके बताएं। लेकिन अगर ये ओवरऑल बात कर रहे हैं कि $200 बिलियन का एक्सपोर्ट है, तो मैं यहां पर करेक्ट करना चाहूंगा कि पिछले बार हमने $320 बिलियन का IT सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया है, $320 बिलियन, और ये करीब करीब पाकिस्तान की पूरी GDP के बराबर पहुंच गया है। पाकिस्तान की GDP नियर अबाउट $400 बिलियन की है, तो हमने $320 बिलियन का सिर्फ IT सर्विसेज की एक्सपोर्ट की जो रिपोर्ट कहती है। तो अगर कह रहे हैं कि सिर्फ इन्फोसिस का $200 बिलियन का है, तो शायद, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, डिटेल नहीं पड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इन्फोसिस का ही $200 बिलियन का एक्सपोर्ट हो, ये थोड़ा सुनने में ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल कह रहे हैं तो ओवरऑल मैं डेटा करेक्ट कर दूं, $320 बिलियन का ऑन रिकॉर्ड है, वहां से दिख रहे हैं। ये दूसरा फर्क है। ठीक है, तीसरा फर्क है कि हम बड़ी मुश्किल से, बड़ी जान मारकर 30-40 लाख टैक्सपेयर बना सके। ठीक है, उनका टैक्सपेयर है 6 करोड़ 70 लाख। ह्यूज, 6 करोड़ 70 लाख। सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ टैक्सपेयर ऐड किया है, 5 करोड़ टैक्सपेयर ऐड हुआ है इन द लास्ट 8 ईयर्स। उनका टैक्स GDP रेशियो 17% है, हमारा टैक्स GDP रेशियो 10 से नीचे चला गया है। सिर्फ 6 करोड़ टैक्सपेयर्स हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ 6 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं, मुझे ये डेटा थोड़ा सही नहीं लग रहा, मैं एक बार चेक करता हूं। हाँ, ये कुछ डेटा आया है, इसमें बताया गया है कि हाँ, द डेटा शोज दैट 7.4 करोड़ पीपल फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स इन 2022-23। अच्छा,
of which 5.16 crore people of 70% had zero tax liability. This means that just 2.24 crore people paid income tax into तो इनका कहने का मतलब है कि जी 2022-23 में 7.4 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए हैं, ठीक है, जिनमें से 5.16 करोड़ पीपल जो है 70% करीब होता है उनकी जीरो टैक्स लाइबिलिटी है, मतलब उनके ऊपर कोई टैक्स लगा नहीं है, सिर्फ रिटर्न फाइल किया है। इनमें से सिर्फ 2.24 करोड़ ही हैं जिन्होंने इनकम टैक्स पेड किया है, जो कि 1.6% होता है टोटल पॉपुलेशन की। सही है, ठीक है। हमारा सेक्टर रेशियो 10 से नीचे चला गया है, ठीक है, अब आगे चले प्लीज, अब आगे चले, ठीक है। चौथा दूसरा फर्क हो गया, चौथा फर्क है सिंप्लिसिटी। आपने कभी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सूट पहने देखा है 47 से लेकर? जी बिल्कुल, जो भी देख रहे हैं वो वेस्ट कोट में होंगे, अपने लिबास में होंगे, सलवार कमीज। ये स्टार्ट पुराना है, कायद आजम सूट में थे, नेहरू सलवार कुर्ते में था। ये बीमारी नई नहीं है। इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी सूट पहना हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सूट पहनते हैं, हमारे खुद पीएम मोदी को मैं देख चुका हूं कई बार, जब वो फॉरेन विजिट पर जाते हैं तो सूट पहन के गए थे, सूट में देखा है हमने। जवाहरलाल नेहरू बड़े शानदार सूट में रहते थे, उसके बाद हमने लाल बहादुर शास्त्री जी को शायद कभी देखा होगा मैंने सूट में, मतलब तस्वीरों में, वैसे नहीं देखा है मैंने, लेकिन हाँ सूट पहनते थे हमारे यहाँ के लोग भाई। पीवी नरसिम्हा राव को भी देखा है मैंने सूट पहनते हुए, ये थोड़ा कुछ मुझे समझ में नहीं। हाँ, लेकिन ये बात मैं कहूंगा कि हमें इंडियन अटायर पे हम ज्यादा जोर देते हैं, हमारे जो पीएम हैं इंडियन अटायर पे ज्यादा जोर देते हैं, और पीएम मोदी खासकर दे रहे हैं, पहले भी पीएम ने भी दिया है। पीवी नरसिम्हा राव को मैंने धोती और कुर्ते में भी देखा है, आई के गुजराल को हमने सूट में देखा है, मैंने वीपी सिंह को मैंने सूट में देखा है, तो ऐसा नहीं है भाई, इंडियन पीएम ने सूट भी पहना है, और वो पीएम मोदी के 10 लाख के सूट पर तो अच्छा खासा बवाल भी हुआ था भाई, ये कैसे कोई बोल सकता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात सही नहीं है, ये सही नहीं। या इंडिया को कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दें जिसने कभी तकरीर की हो किसी इंटरनेशनल फोरम में अपनी जबान के अलावा। या इंडिया को प्राइम मिनिस्टर दिखा दें जिसके पास, जिसके साथ 36-35 गाड़ियां चलती हैं, ठीक है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो केयर टेकर हैं जी जी, वो जड़ा वाले गए जी, आप किसी से पूछिए बताइएगा उनके साथ गाड़ियां कितनी थी, कितनी गाड़ियां थी, ठीक है। तो ये इंडिया की जो सिंप्लिसिटी है और जो उनके माशरे में एक एक सिंप्लिसिटी है जी, जो पांचवी चीज है इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी ने 2-3 साल पहले एक उसका बड़ा पुराना केस था वोडाफोन का, ठीक है, इंडियन जुडिशरी ने उसको केस को रिवर्स किया, फॉरेन पार्टियों का केस रिफंड वापस करें और पूरा जो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सीधा कर दिया, ठीक है। हमारे यहाँ इफ्तिखार चौधरी साहब ने रिकॉर्ड की ऐसी की तैसी फेर दी, आपके स्टील मिल की ऐसी की तैसी फेर दी, तो हमारी जुडिशरी तो इकोनॉमिक मैटर में सही करने के बजाय चीजों को खराब कर खराब किया, ठीक है, ठीक है। तो जब आपने कोई इंस्टीट्यूशन, इवन इंस्टीट्यूशन बनाए सारे, जी बिल्कुल, जब इंस्टीट्यूशन बनाए ही नहीं तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि एक इंस्टीट्यूशन जो कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है और जिसके हाथ में बंदूक है वो पावरफुल हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि फौज आ गई। जब आपके सारे इंस्टीट्यूशन, अच्छा अब यहां पर आके एक सवाल पैदा होता है चिकन और एग का, कि फौज ने लोगों को खराब किया या लोग खराब करके फौज आ गई, ये एक सवाल है चिकन एंड एग वाला, ठीक है, कि पहले मुर्गी है या पहले अंडा है, ठीक है ना। अब हम ये एक फौज का आर्गुमेंट ये कि यार जब आप तबाह कर देते हैं तो हम आ जाते हैं, उनका आर्गुमेंट ये कि जी आप हमें बढ़ने ही देते तो हम तबाह जाते हैं, ठीक है। तो ये चिकन एंड एग चल रहा है पाकिस्तान में, ठीक है ना, क्योंकि फौजी आते हैं वो कहते हैं अच्छा आज अगर सपोज करे आज की तारीख ले ले जी, आज की तारीख में अगर फौज आ जाए और वो डॉलर को 200 रुपए ले आए और ये महंगाई शिकाई करप्शन फॉर द टाइम बींग डड्डा मार के सीधा कर दे जी, फौज लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, फौज को बिल्कुल कर लेंगे, कर लेंगे बिल्कुल। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप इकोनॉमिक मैस में चीजों को वहां पे ले जाते हैं कि फौज आ जाती है, अच्छा वो ये कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले कि फौज हमें नहीं करने देती। मगर जो मेरा तजुर्बा जिंदगी का है जी,
छह महीने का कम से कम काम करने का, उसमें मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नॉन फौज से आई है बल्कि फौज के, उनके अपने बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, बट बुनियादी मसले हमारे जो, अच्छा इसमें जो चीज हम समझते नहीं है वो ये है कि पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन है और जो पाकिस्तान में जो कारोबारी है, ये इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस के साथ डील ही नहीं करना चाहता। अगर कोई मुझसे आज ये पूछे ना कि इंडो पाकिस्तान ट्रेड की सबसे बड़ी रुकावट कौन है, मैं कहूंगा पाकिस्तानी बिजनेसमैन। अच्छा जी, अगर इंडो पाकिस्तान ट्रेड खुल जाए और तो ये इनमें से आधे जो है ना ये वापस दुकानदार बन जाएंगे, ये परचून की दुकान के दुकान चलाएंगे ये, क्योंकि एक तो इनका साइज नहीं है और इन्होंने डाइवर्सिफाई नहीं किया, इनोवेट नहीं किया, पैसा नहीं लगाया, मतलब पैसा नहीं लगाया। जी जी समझ गए, ठीक है ना। तो अगर आप फैक्ट्रियां देखें, उनके हालात देखें और उनके घरों के हालात देखें तो बड़ा नजर आए, आपको फर्क नजर आएगा, बिग डिफरेंस। एग्जैक्टली, तो ये तो मतलब मेरा मकसद है, पाकिस्तान के मसाइल बहुत बुनियादी हैं और ये मुझे कोई शॉर्ट टर्म में कोई तब्दीली होती नजर नहीं आ रही। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। कुछ बातों से मैं इनके अग्री करता हूँ, कुछ बातों में इन्होंने थोड़ा बहुत गलत फैक्ट दिया है, मैं यूं कहूँ या आप अपडेटेड नहीं होंगे तो खैर, कुछ मामलों में मैं भी, जैसे वो इनकम टैक्स वाले, मैं भी अपडेटेड नहीं था, खैर वो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि इन डिफरेंसेस के अलावा और भी इससे बड़े ज्यादा फर्क है। एक हमारी जो सोशल बाइंडिंग है, हमारी जो भारत की है और जो पाकिस्तान की, जो सोशल फैब्रिक कहूं मैं अगर उसको, उसमें बहुत बड़ा फर्क है, उसमें सोच का फर्क है। जैसे भारत के लोग सोचते हैं कंट्री फर्स्ट, रिलीजन रिलीजन उसके बाद, पाकिस्तान में ठीक इसका उल्टा है, पाकिस्तान में रिलीजन पहले है, कंट्री बाद में। तो पहला बड़ा डिफरेंस यही नजर आता है। दूसरा, भारत के लोग ईमानदार ज्यादा हैं और अपने वादे पर खरे उतरते हैं, अपने वादा अगर उन्होंने कर दिया है तो वादा पूरा करेंगे उसी तरह ईमानदारी से। पाकिस्तान में जितने भी मैंने रिएक्शन वीडियोस देखे हैं, जो ये हैं, जो ये बिजनेस वाली बात कर रहे हैं उसमें, वहां पर लालच और झूठ और बेईमानी ज्यादा है, ये बात पाकिस्तानी भी मानते हैं। तीसरी चीज, हम अपने एजुकेशन को रिलीजन से दूर रखते हैं, पाकिस्तान में एजुकेशन और रिलीजन सेम चीज। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दूंगा कि वो जो बनू में प्रोफेसर को, असिस्टेंट प्रोफेसर को जो माफी मंगवाई गई मौलानाओं ने और मौलियों ने घेर कर, लिंचिंग कर देते बेचारे उसकी, माफी मंगवाई कि तुमने डार्विन की थ्योरी कैसे पढ़ाई और तुमने उस थ्योरी में मर्द और औरत को बराबर का दर्जा कैसे दे दिया, औरत कभी भी मर्द से ऊपर नहीं जा सकती या मर्द के बराबर नहीं आ सकती, तुमने दिया कैसे। तो वहां पर वो लिखित में माफी मांगवानी पड़ी, बेचारे ने लिखित में माफी मांगी, बोला कि भैया अब से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये फर्क है सोसाइटी में, एजुकेशन में और ये सारी चीजें, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। जिस सोसाइटी की सोच प्रोग्रेसिव नहीं होती है, जो एक साथ मिलकर चलने वाली नहीं होती है, वो सोसाइटी कभी भी ग्रो नहीं करती, और पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान से रोज खबरें आ रही हैं कि हिंदुओं को जबरन कन्वर्ट कराया जा रहा है, लड़कियों को, बच्चियों को किडनैप किया जा रहा है, उनको जबरदस्ती उनका इस्लाम में कन्वर्ट कराकर उनको बड़े बुजुर्ग जिसको भी है उससे शादी कर दी जा रही है। लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा है पाकिस्तान से, कोई आवाज नहीं उठा रहा, यानी कि पाकिस्तान की सोसाइटी इस चीज को स्वीकृति दे रही है कि भाई अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, सपोर्ट कर रही है लोग। तो अगर आस पड़ोस वाले भी अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, इट मींस कि वो उनका समर्थन है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तो ऐसी सोसाइटीज कभी ग्रो नहीं कर पाती। मुझे लग रहा है कि जो मैं पॉइंट कहना चाहता हूं आप समझ रहे हैं। ये सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसके पहले जो बेसिक डिफरेंस है ना, जो बेस में है, जिनको सबसे पहले ठीक किया जाना चाहिए, वो ये है। और एक है रेडिकलाइजेशन। पाकिस्तान के जो आम जनता भी है वो हाईली रेडिकलाइज्ड है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 के 100 पाकिस्तानी हाईली रेडिकलाइज्ड हैं, लेकिन उनमें से 90 हाईली रेडिकलाइज्ड हैं। तो बात उन 90 की ही जाएगी, और रेडिकलाइज्ड माइंड से आपको बात समझ में नहीं आती कि सामने वाला क्या आपसे बात कह रहा है, क्योंकि आपका रेडिकलाइज्ड माइंड फिक्स है, यही सच है, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं सुनूंगा,
इसके अलावा कुछ नहीं देखूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं मानूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसमें, इसको अड़ियलपना कहते हैं, जिद कहते हैं। और जो ज्यादा जिद पे अड़ा होता है वो टूटता है। तो पाकिस्तान टूट रहा है। जो फ्लेक्सिबल होगा ना वो ग्रो कर जाएगा फिर से, लेकिन पाकिस्तान टूट रहा है। और इसका एग्जाम्पल आप देखिए महंगाई, आप इसका एग्जाम्पल देखिए बेरोजगारी, वहां से पलायन हो रहा है, भाग रहे हैं लोग, युवा भाग रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत से भी ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा, हो रहा है, लेकिन भारत में जो ब्रेन बच भी रहा है वो भी बड़े काम का ब्रेन है, और वो बड़े शानदार कारनामे कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम हो रहा है। तो ये चीज बहुत ज्यादा गौर करने वाली है और बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप लोग बताइए और क्या डिफरेंसेस हैं, और आपकी राय इस पर क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो की खत्म। अच्छा, ये वीडियो थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डिफरेंसेस की, चार या पांच डिफरेंस थे जो बेसिक टॉपिक था वीडियो का। लेकिन वो शब्बर जादी हैं, वो अनकल शब्बर जादी पाकिस्तान के बड़े माने जाने माने शख्सियत हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, आई थिंक इकोनॉमिस्ट भी हैं, आई थिंक मुझे लगता है। खैर, उसने अच्छी बातें की हैं, उसने बातें बुरी नहीं की, उसने बातें बड़ी शानदार की हैं। डिफरेंस अगर सबसे बड़ा जो आलोक सर ने भी एंड पर किया, लीचिंग की बात की, वो प्रोफेसर की, डार्विन की थ्योरी की बात की, उस पर भी मैं बाद में आऊँगा। मेन डिफरेंस जो आलोक सर ने कहा, मैं भी यही समझता हूँ कि हमारी सोच का डिफरेंस है, हमारे घर के माहौल का डिफरेंस है। हमारे घर का माहौल और इंडिया के बच्चों के घर का माहौल में बहुत फ़र्क है। इंडिया के बच्चे, अगर मैं अपने ही घर से शुरू करूँ, मैं अपने घर से अगर शुरू करूँ तो नो डाउट यही सिखाया जाता है, सबसे पहले इस्लाम है। और हमें भी यही सिखाया गया है और हम ये मानते भी हैं। दो नंबर ही नहीं करने, किसी को झूठ नहीं बोलना कि भाई हमारे लिए, अगर हकीकत बोले तो हमारे लिए भी ऐसा ही है। हम अपने अल्लाह के और अल्लाह के हबीब के गुलाम हैं। इस चीज का मैं बारहा प्रचार कर चुका हूँ, लेकिन खैर प्रचार करने से तो ज्यादा कोई इसको लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ किसी को ये डाउट ना रहे कि यार ये पता नुकसान लिबरल है या सेकुलर है या इसकी क्या सोच है। जो आपके अंदर की ख्वाहिशात है या इमोशंस है ना, वो आपको सामने को बताने चाहिए। ये जरूर कहा है कि भाई हम आप जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपने कंट्री को, ये उनकी बिल्कुल बात है, लेकिन जो पाकिस्तान वाले हैं वो रिलीजन को आगे रखते हैं। तो भाई रिलीजन भी आगे रखना चाहिए और उसके साथ साथ अपना मुल्क भी जो है ना यार, वो भी आगे असलम भाई ये रिलीजन ही हमें सिखाता है ना। अगर रिलीजन की बात करें, उसी कंटेक्स्ट में बात करें, उसी लिहाज से बात करें, तो ये रिलीजन हमें सिखाता है कि आप जिस बाउंड्री इस्लामिक बाउंड्रीज के अंदर या जिस कंट्री की बाउंड्री के अंदर आप रह रहे हैं ना, हमारी अहादीस में आया कि आप उसकी हिफाजत करें, और अगर आप उसकी हिफाजत करते हुए शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, तो आप शहीद हैं। ये हमें इस्लाम ही सिखाता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे इस्लाम में यह है कि कंट्री की बाउंड्री पहले है। बिल्कुल, ये चीजें समझने वाली है, ये हमारे लोगों को नहीं पता। बिल्कुल। अच्छा देखिए ना, कि मैंने एक जो है ना आलोक अंकल का जो एक बात सुनी है, बहुत मैं उस पर गौर करता हूँ हमेशा, और वो हर तकरीबन दूसरी किसी वीडियो में दीन वाली बात, इस्लाम वाली बात करते हैं और उस पर हंसते भी हैं। भाई दीन के हमने कभी जो है ना आप मतलब कोई भी बात की, कभी भी कोई बात की हो, ये मैं मानता हूँ कि पाकिस्तानी हर मामले में दीन को इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, 110% है। आपको इख्तलाफ करना चाहिए, हमारा दीन एक मसला। अच्छा फिर जो मुझे अच्छे बड़े या डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान में, जो मेन मुझे भी लगता था, मैंने इसलिए उसको पहले पकड़ा, हमारी सोच का फर्क है। हमारे बच्चों की सोच, इंडिया के बच्चों की सोच बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ये अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने की है, जो भाई वो चाचू उन्होंने कहा कि इंडिया में 17 इलेक्शन हुए, हाँ जी, लेकिन उसको किसी पार्टी ने चैलेंज नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान में तो मैं कहता हूँ आए रोज कोई ना कोई चैलेंज कर लेता है, हर इलेक्शन चैलेंज हुआ है। सबसे छोटी जो ये बाकी बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों मुल्क में, बहुत डिफरेंस। जनरल अपना जनरल काउंसलर जो होता है उसको भी इतराज होता है, उसको भी नहीं होता। हाँ, होता है ना, कोई ना उसकी कोई ऐसी इतना, मुझे तो लगता है कि उनका चैलेंज करना बढ़ता है भाई। वो कैसे वो बढ़ता है, हमारे मुल्क में इंसाफ होता कहाँ पे है? अच्छा
40 करोड़ वोटिंग अगर वो उनके वोटर्स हैं, चले 40 50 करोड़ हो गए क्योंकि 60 उन्होंने कहा 17 इलेक्शन में 40 करोड़ वोटर हैं और उन्होंने किसी ने एक मरतबा भी कोई फैसला चैलेंज नहीं किया और हर मरतबा उनकी असम्बली ने 5 साल की मुद्दत मुकम्मल कमो बेश की है। हमारे यहाँ तो किसी ने नहीं किया, एक वजीर आजम नहीं हमारे टिक सका, एक भी एक वजीर आजम हिस्ट्री में नहीं ऐसा आया जिसने 5 साल मुकम्मल किए हो। उधर मेरे ख्याल में एक भी मार्शल आर्ट नहीं लगा, और नहीं लगा मुल्क में 4 लगे हैं। फिर उन्होंने डिफेंस बताया, शब्बर जादी ने बड़ी शानदार बातें की यार, जो आंखें खोल दे। उन्होंने कहा कि 1940s-50s में इंडिया में, जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे आइन आइन खेल रहे थे, मार्शल खेल रहे थे, इंडिया क्या खेल रहा था, इंडिया आई टी और आई आई एम का मुझे पहले मतलब पता चला, IIIT के तो मुझे पहले पता था कि उस वक्त इंडिया की बुनियादें रखी जा चुकी थी जब हमारे मार्शल आ लगे हुए थे, जब हमारी अभी आइन एक आइन आ रहा था दूसरा आइन रद्द हो रहा था, पहला रद्द हो रहा था दूसरा आ रहा था, पहला रद्द हो रहा था दूसरा आ रहा था, हमारा ये चल रहा था। इंडिया क्या मैं मेरी बात सुने, कुछ दिन पहले ही ना वो मेरे चाचू वो जो रिटायर आर्मी के वो ये कह रहे थे, मैं ये पंजाबी में बात करना चाहता हूँ, वो कह रहे थे कि जिस वक्त जनरल मुशर्रफ है ना वो आया उस वक्त पाकिस्तान एक ना मतलब हीरा बन गया, मतलब के हीरे की तरह चमक गया था वहां इसमें उसको पूछना था क्यों। मैंने ना तुमको थोड़ा भाई ने मुझे पता मानना ही नहीं है, बहस ही होनी है और वो मैं उनसे साथ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने उनसे ये पूछा कि उन्होंने कौन सी इंडस्ट्री लाई है पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान में किया क्या, सिर्फ बाहर से एड ली थी और कुछ एड नहीं ली थी, अड्डे भी दिए थे, अड्डे भी दिए थे और कर्जा भी लिया था उधर से, यूएस एड भी आई थी, वो ही खाते रहे और खराब से जाते हैं। 20% उन्होंने लगाया तकरीबन और 80% वो खुद ने रखा। हम आईटी की बात कर रहे थे तो आईटी की इंडिया की लोग सर ने बताया दिखाया $320 बिलियन 2023 की जो पिछले साल की एक्सपोर्ट $320 बिलियन है सिर्फ आईटी की, तो हमारी टोटल जीडीपी 400-350 है। हमारी कंपेयर ना करें क्योंकि वो ईमान उनकी एक सेक्टर की 320 बहुत डिफरेंस है यार। हम भी कर सकते हैं अगर हम ईमानदार हो जाएं, मेहनती बन जाएं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन ये कभी मुमकिन नहीं क्योंकि हमारी रग रग में भी ईमानी शामिल हो चुकी है। अच्छा, और उसने एक बार ये भी की कि उसने कहा कि जो है ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने सूट बूट वगैरह ना इतने खास नहीं पहनते, वो सिंपलिसिटी होती है, लेकिन अलोक सर ने उसकी तरदीद की है भाई, मोदी साहब ने भी पहना है और लाल बहादुर शास्त्री की बात, लाल बहादुर शास्त्री और एक मेरे ख्याल और है पटेल साहब के भी, मेरे ख्याल में वो जब जाते हैं किसी अब्रॉड कंट्री में तो वहां पे वो पहनते हैं भाई, पहन लेते हैं, इसमें ज्यूडिशरी का बहुत कम है हमारे निस्बत जो हमारे बताना चाहते थे कि अपनी जो है ना वो लिबास को फरोग देते हैं। फिर ज्यूडिशरी की बात की शब्बर जादी ने, बेशक वो वोडाफोन की बात कर रहे थे, वोडाफोन के कोई केस था उसकी, अगर ज्यूडिशरी की बात किया तो इंडिया हमसे कम अज कम 70-80 दर्जे बेहतर है, 70-80 दर्जे, हमारा 140+ नंबर है हमारे ज्यूडिशरी का और इंडिया ज्यूडिशरी का नंबर है इतना अच्छा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत अच्छा है, बहुत ही दर्जे अच्छा है। गुनाह के हिसाब कर ले कंट्री कौन सी होगी पता मुझे अब याद नहीं रहा, जब मैंने स्टैटिक्स चेक किए थे उसके बाद इंडिया 80+ में था या 80 था, तो पाकिस्तान 140+ में था। जिसने भी ये की है ना ये अपना जो बना है क्या उसे कहते हैं रैंकिंग, उसने गलत पाकिस्तान को एंड पे रखना चाहिए था। नहीं जो नहीं एक मिनट, जिस तरह का पाकिस्तान में मैं कहता हूँ ना कि कानून है, ये जो अमल है शानदार थी यार सारे के सारे वीडियो, इंडिया हमसे बेहतर है तकरीबन हर सेक्टर में, यानी कि एक सेक्टर में कोई सेक्टर उठा लो, जुडिशरी का उठा लो, सिंपलिसिटी का उठा लो, भारत फर्स्ट की बात कर लो, वफादारी की बात कर लो, मुहब्बुल वती जो है पैट्रिज्म की बात करो, कोई भी चीज़ उठा लो वो हमसे बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो आज तरक्की में है। अभी भी कमियां हैं उनमें लेकिन हमारे मुकाबले में बात करें तो बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता 100% ठीक हो गया, कमियां हैं और वो दूर कर रहे हैं, उनकी सोच है दूर करने की, हमारी सोच नहीं है दूर करने की, ये डिफरेंस है सबसे बड़ा। मिलता नई वीडियो में, नाडा तब तक इजाज़त।